नमस्कार प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं के अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत पांचवा पाठ है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री एक राजनेता हैं, एक कवि और लेखक भी हैं, और इनका प्रमुख परिचय ये है कि हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ये पुत्र हैं। तो यह पाठ इसकी विधा है संस्मरण। इस संस्मरण में सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी की अनेक यादगार घटनाएं इस पाठ में बताई है, और इस प्रकार इस पाठ का अब हम अध्ययन करेंगे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। पहले हम इस पाठ का एक पहला परिच्छेद पढ़ लेंगे। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव ही था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह इम्पाला शेवरलेट थी। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे मैं चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। अब इस परिच्छेद में हम क्या देखते हैं कि ये जो सुनील शास्त्री जी हैं, उनके पिताजी पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय पुलिस मंत्री मतलब गृह मंत्री कहा जाता था। तो इस लड़का जो उनका है सुनील शास्त्री, उसे लगता था कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हैं, जो मेरे मन में आएगा मैं कर सकता हूँ, और वो कल्पना की उड़ान भरते थे। कल्पना की उड़ान भरना यहाँ एक मुहावरा आया है। कल्पना की उड़ान भरना मतलब अनेक अनेक मन में कल्पना करना, कल्पना की उड़ान भरना। तो ये जो सुनील जी है वो मन में सोचते थे कि मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूँ, जो कुछ मन में आए मैं कर सकता हूँ। ऐसा वे सिर्फ सोचते थे, करने की अभी हिम्मत हो ही नहीं रही थी। पर क्या हुआ, धीरे धीरे हिम्मत खुल गई, हिम्मत बढ़ने लगी। अब दूसरों को ऑर्डर देने की हिम्मत उनमें आ गई। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। अब प्रधानमंत्री के पास एक बड़ी गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट। अब सुनील जी उस वक्त जवान थे तो उनके मन में ऐसा आ जाता था कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊं। तो धीरे धीरे हिम्मत बढ़ गई थी। तो एक दिन उन्होंने सचमुच प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव होते हैं उनसे कहा कि ज़रा ड्राइवर से कहिए और इम्पाला लेकर यहाँ घर की तरफ आ जाए। दो मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आ जाते हैं अभी। अब जो सुनील जी हैं वे बड़े हिम्मत करके उन्होंने वह गाड़ी अपने ताबे में कर ली और ड्राइवर से कहा कि तुम्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला सकता हूँ। सुनील जी के बड़े भाई हैं अनिल भैया। तो अनिल जी की अभी हिम्मत हो नहीं रही थी, उन्हें अपने पिताजी का स्वभाव पूरी तरह से मालूम था, तो उन्होंने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। पर सुनील जी ने क्या किया, खुद गाड़ी चलाई और ड्राइवर से कहा तुम आराम करो, और वे दोनों इम्पाला शेवरलेट लेकर कहीं बाहर चले गए। याद आया, गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुनझुनी आ रही है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में सबका ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। अब क्या हुआ, वे जहाँ गए थे किसी ने खाने पर बुलाया था तो वहाँ खाने के लिए चले गए। बातों बातों में काफ़ी देर हो गई, समय का कुछ पता ही न चला। रात में बहुत देर हो गई, फिर याद आया कि अब बाबूजी शायद घर आ चुके होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी,
यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट से सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा बोली, अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिए। अब देखिए, दोनों भाई भाई इम्पाला शेवरलेट लेकर कहीं चले गए। जिसके घर खाना था वहाँ खाना खाया और रात को देर से घर लौटे। जैसे ही घर लौटे उन्हें याद आया कि बाबूजी अब घर आ चुके होंगे। अब गेट जब खुलेगा तो उसकी आवाज़ होगी। वहाँ गेट पर चौकीदार खड़ा था, संतरी। वह क्या करेगा? सैल्यूट मारेगा, उसकी भी आवाज़ होगी। तो सुनील जी ने उस संतरी से कहा, चौकीदार से कहा, गेट मत खोलो, अगर खोलते वक्त आवाज़ हो गई तो बंद मत करो, खुला का खुला छोड़ दो। ये सैल्यूट भी मत मारो, चुपचाप बैठे रहो। फिर मन ही मन सोचने लगे दोनों भाई कि सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जैसे तैसे बात चुपचाप कानों कान खबर न लगेगी। फिर रात को वे दोनों भाई चुपचाप किचन की तरफ से पीछे के दरवाजे से घर में प्रवेश किए। आगे देखा तो माता जी खड़ी है। माँ से पूछा कि बाबूजी आ गए, क्या कुछ पूछा? तो माँ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हाँ, पिताजी घर आ गए हैं और मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया है। अब क्या करें? दोनों भाई सोच विचार में पड़ गए। फिर मन में सोचा, जो होगा देखा जाएगा, सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब इस परिच्छेद में एक शब्द है, नया शब्द है, हिदायत। हिदायत का मतलब है सूचना, सूचना। और यहाँ इसी परिच्छेद में और एक मुहावरा भी आया है, बात में पानी पड़ना, मतलब बात बिगड़ जाना। बात में पानी पड़ना मतलब बात बिगड़ जाना। अब देखो, दोनों भाई घर आ चुके हैं, अभी तक पिताजी से सामना नहीं हुआ है, पर माँ ने सब कुछ सच बता दिया है। दोनों भाई ने सोते वक्त माँ से कहा कि हम रात में देर से आए हैं, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, किसी को अंदर मत भेजो। रात देर हो गई, सुबह कुछ देर तक सोना होगा। सुबह 5:30-6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े है। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो, चाय के टेबल पर पहुँचे। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? अब देखिए, दोनों भाई रात को देर से सो गए। अब सुबह जल्दी उठने की उनकी कोई इच्छा न थी, पर फिर भी 5:30 बजे के दरमियान उनके कमरे के दरवाजे की आवाज़ आई, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब सुनील जी ने झुंझलाते हुए जोर से कहा कि रात को देर से आया हूँ, उठना नहीं चाहता हूँ, सोने दो, मुझे सोना है। उन्हें लगा शायद कोई नौकर आया होगा चाय लेकर, तो नौकर पर चिल्लाए, पर फिर से एक बार दरवाज़ा खटखटाया। अब झुंझलाते हुए सुनील जी ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि खुद उनके पिताजी सामने खड़े हैं। फिर बड़े डर गए और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि शायद मुझे लगा नौकर होगा, बेध्यानी में कुछ बात समझ में नहीं आई। तो शास्त्री जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों आज साथ मिलकर चाय पियेंगे, जल्दी से तैयार हो जा
और चाय के टेबल पर आ जाओ। फिर सुनील जी ने घबराते हुए जल्दी जल्दी सब कुछ हाथ मुंह धोकर चाय के टेबल पर जैसे ही पहुंचे तो शास्त्री जी ने उन्हें पूछा कि तुम तो कहते हो कि रात को देर से आए हो, पर अम्मा ने कहा तुम पहले ही घर आ चुके हो, कल कहाँ गए थे? उन्होंने यूं ही पूछा, चेहरे से कुछ जाहिर न होने दिया। वास्तविकता यह है कि शास्त्री जी को सचमुच सब कुछ बात पता चल गई थी, पर फिर भी उन्होंने चेहरे से कुछ जाहिर न होने दिया, यूं ही पूछा कि रात को कहाँ गए थे। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फेयट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? शास्त्री जी को पता था कि हमारे बच्चे इम्पाला गाड़ी लेकर चले गए थे, पर फिर भी वे सब कुछ अपने बच्चों से जानना चाहते थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम जब मैं घर आया तो हमारी गाड़ी फेयट गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी, तो तुम खाने पर गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, आप लोगों को तो बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। खुद प्रधानमंत्री होने पर भी शास्त्री जी बड़ी गाड़ी का प्रयोग न करते थे, उसका इस्तेमाल न करते थे। एक फेयट गाड़ी थी, उसी का इस्तेमाल करते थे। इम्पाला गाड़ी कब बाहर निकलती थी? जब कोई दूसरा गेस्ट आ जाता, किसी दूसरे राज्य का, दूसरे देश का अगर कोई अतिथि आ जाता तो वह इम्पाला गाड़ी निकाल लेते थे। वे खुद प्रधानमंत्री होकर भी कभी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल न करते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। सुनील जी को ऐसा लगा कि पिताजी जब बड़ी गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं तो शायद वे हमें इजाज़त दे रहे हैं कि जब चाहे तुम गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपने बड़े भैया की तरफ सुनील जी ने देखा और इस प्रकार समझाया कि चलो अच्छा है, अब हम बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि वह बात पिताजी को मालूम हो चुकी है। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैंने ड्राइवर को बुला दिया। उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक तो रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कब कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। अब देखिए, इतनी बात होने पर बात खत्म नहीं हुई। आगे चलकर शास्त्री जी ने सुनील जी से कहा कि जाओ तुम ड्राइवर को बुला लाओ। फिर सुनील जी ड्राइवर को बुला लाए। शास्त्री जी ने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम लॉग बुक रखते हो? एक लॉग बुक होता है जिसमें गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, कितनी किलोमीटर चली, किस कारण चली, ये कारण भी लिखना पड़ता है। तो ड्राइवर ने कहा कि हाँ, लॉग बुक तो मेरे पास है। तो शास्त्री जी ने ड्राइवर से कहा, कल शाम को गाड़ी कितनी किलोमीटर चली? तो उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर चलाई गई है। तो शास्त्री जी ने ड्राइवर से कहा कि उस लॉग बुक में लिख दो कि 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई गई और कारण लिख दो निजी उपयोग के लिए, मतलब खुद का मेरा निजी उपयोग के लिए वह गाड़ी चलाई गई। इस प्रकार यहाँ शास्त्री जी ने ड्राइवर से बातचीत की, तब भी हमारी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। आगे क्या हुआ? तो दोनों भाई भाई अपने पिताजी का व्यवहार देख रहे हैं, फिर भी उनके दिमाग में कुछ ऐसी विशेष बात नहीं उन्हें लगी कि पिताजी के मन में क्या चल रहा है, वे सोच नहीं पाए, न कोई अंदाज़ा कर सके। फिर उन्होंने सुनील जी की माँ को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करें। अब सहाय साहब जो थे शास्त्री जी के निजी सलाहकार थे, तो माँ से कहा कि सहाय साहब से कह दो कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे इकट्ठा करें, जमा करें, मतलब गाड़ी 14 किलोमीटर चली तो 1 किलोमीटर के लिए 60 पैसे, इस प्रकार 14 किलोमीटर के पैसे मैं मेरा निजी खर्च देना चाहता हूँ।
ये मेरा निजी खर्च है, मेरे बच्चों ने गाड़ी चलाई है तो इसके पैसे देने का हकदार मैं हूँ, मुझे वे पैसे जमा करने चाहिए। उनका इतना जो कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोने लगे। अब देखो दोनों बच्चों के मन में यह गहरी बात ठेस लगी, बहुत बड़ी ठेस लगी कि गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लग रहा था तो कल गाड़ी हमने चलाई, पर यह ध्यान में नहीं आया कि यह गाड़ी सरकारी है और केवल सरकारी इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। हमने जो कल गाड़ी चलाई वह अपना निजी व्यवहार था, निजी खर्च के लिए हमने गाड़ी चलाई। फिर दोनों लड़कों के मन में यह बात बड़ी ठेस लगी, दोनों जोर जोर से रोने लगे, अपने कमरे में चले गए और अब किए पर पछतावा होने लगा। जो काम हमने कल किया वह बड़ा गलत था, गाड़ी चलाना बड़ा अच्छा लग रहा था पर यह काम तो गलत है, हमने सरकारी काम का गलत इस्तेमाल किया है। इस प्रकार दोनों बच्चों के मन में वह बात लग गई। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। अब सुनील जी क्या कहते हैं कि ये जो घटना है मैं शान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक आदर्श की है और हमारे लिए जन्म से लेकर आज तक ऐसे आदर्श हमने देखे हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? सुनील जी कहते हैं कि बचपन से हमने इस प्रकार के आदर्श देखे हैं, इसलिए सरकारी पद जब मैं पाता हूँ तो उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं होती, क्योंकि पिताजी के अच्छे संस्कार उन पर है। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं पापा आप हमें साइकिल से स्कूल भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। सुनील जी कहते हैं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा कलेजा चीर कर मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मैं उन्हें सरकारी गाड़ी से स्कूल क्यों नहीं भेज सकता हूँ। मैं मेरे बच्चों को साइकिल से स्कूल भेजता हूँ, और अगर कोई किसी दिन बारिश हो जाती है तो बरसात के दिनों में रिक्शा से या ऑटो से मैं मेरे बच्चों को स्कूल भेजता हूँ। मेरे पास राजनीति में होने के कारण बड़ा पद है, पर फिर भी मेरे पास गाड़ी है, फिर भी उसका इस्तेमाल मैं बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस बात को मेरे बच्चे समझ नहीं सकेंगे क्योंकि अभी वे बहुत छोटे हैं। मेरा कलेजा चीर कर मैं उन्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, वे बेचारे छोटे हैं इस बात को नहीं समझेंगे। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। आप सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। सुनील जी कहते हैं आपसे जो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ तो मैं फिर से ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ अपने आप को। अगर मेरे बच्चों को गाड़ी से जाने की चाह है तो मैं खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, न कि सरकारी गाड़ी का। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे वे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला वे कुर्ते भला, कोई यहाँ से फट रहा था कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है?
मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बनाने बिनने वालों ने, इनका एक एक सूत काम आना चाहिए। अब देखिए और एक प्रसंग सुनील जी ने अपने पिताजी के बारे में यहाँ बताया है। जब सुनील जी और अनिल जी दोनों छोटे थे तो अपने पिताजी का काम करने के लिए उनमें होड़ रहती थी। यहाँ इस परिच्छेद में एक होड़ शब्द आया है। होड़ शब्द का अर्थ है ईर्ष्या अथवा स्पर्धा। दोनों बच्चों में, दोनों भाइयों में स्पर्धा लगी रहती थी कि पिताजी का काम कौन करेगा, अच्छे से काम कौन करेगा। तो एक दिन शास्त्री जी ने अपने बच्चे से कहा, सुनील जी से कहा कि मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो गई है, मतलब अस्त व्यस्त। बेतरतीब मतलब अस्त व्यस्त, मेरी अलमारी अस्त व्यस्त हो रही है, उसे ठीक कर दो और कमरा भी साफ कर दो। तो सुनील जी ने क्या किया, स्कूल से लौटने पर अपने पिताजी का कमरा बिल्कुल साफ कर दिया। दूसरे दिन शास्त्री जी ने सुनील जी से कहा कि अलमारी तो बिल्कुल साफ हो गई, स्वच्छ हो गई, पर उसमें कुछ मेरे कुर्ते थे, वे कहाँ हैं, कुछ दिखाई नहीं देते। तो सुनील जी ने कहा कि वे कुर्ते तो बड़े पुराने हो चुके थे, कोई यहाँ से फटा, कोई वहाँ से फटा, तो ऐसे कुर्ते रखने से क्या फ़ायदा। तो वे सब कुर्ते मैंने इकट्ठा किए और अम्मा जी को दे दिए कि कुछ इसका करें। तो शास्त्री जी ने कहा कि ये महीना कौन सा है। सुनील जी ने कहा कि अक्टूबर महीना है और अंतिम सप्ताह है। तो शास्त्री जी ने कहा आगे नवंबर महीना आएगा, फिर क्या होगा, जाड़े के दिन आएंगे, ठंडी का मौसम आएगा, फिर मुझे कोट पहनना पड़ेगा, तो अंदर से पुराना कुर्ता पहन लूँगा तो क्या होगा, अंदर से पुराना कुर्ता पहन लूँगा और ऊपर से कोट पहनूंगा, किसी को कुछ पता न चलेगा। ये सुनकर सुनील जी चौंक गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, वे देखते रह गए कि पिताजी क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में शास्त्री जी ने स्पष्टीकरण दिया कि वे कुर्ते खादी के कुर्ते थे और खादी के कुर्ते बिनने में बहुत तकलीफ होती है, समय लगता है, वे सूती है, सूत निकालना पड़ता है और उसे बिनना पड़ता है, तो ये बड़ा मेहनत का काम होता है। जिन लोगों ने मेहनत से इस कुर्ते को बनाया है उनकी मेहनत का हमें सम्मान करना चाहिए, इसलिए ये कुर्ते अभी पुराने नहीं हो चुके हैं, न ही फटे हुए हैं, अगर फटा भी है तो मैं उसे पहन लूँगा और ऊपर से कोट पहनूँगा। यहाँ एक बहुत संस्मरण यहाँ सुनील जी ने दिया है। आगे देखिए, यही नहीं, मुझे याद है कि बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देकर कहा था इनके रुमाल बना दो, अगर कुर्ता पहनने के लायक न रहा, इतना फट गया कि उसे पहन नहीं सकते हैं, तो उस कुर्ते को वे क्या करते, अम्मा जी को दे देते थे और कहते थे कि इनके रुमाल बना दो, मतलब उस सूती कपड़े का वह अंत तक इस्तेमाल करते थे। अब सुनील जी कहते हैं कि मैं बचपन में पिताजी की तरफ बारीकी से देखता, ध्यान से देखता कि वे किस किफ़ायत से रहते हैं, किफ़ायत मतलब सस्ता, बड़े बड़े महंगे शौक उनके बिल्कुल न थे, अत्यंत सादगी की वह प्रतिमूर्ति थे, तो उन्हें देखने की उन्हें इच्छा रहती थी। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, वे अगर सीधे से कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी मेरे मन में घर न करती थी, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में मायने, अपने सपने में वाले को बांध लेता था, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। शास्त्री जी का एक विशेष गुण यहाँ उनके बच्चे ने बताया है कि वे कोई बात सीधे से नहीं करते थे, अगर वे सीधी तरह से कहते कि तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, खादी पहनो, तो शायद मैं उनकी बात मानता नहीं, न उस पर कुछ विचार करता, पर उनके बात कहने का जो अलग ढंग था, अलग तरीका था, उस तरीके से सुनील जी प्यार करते थे।
और ऐसी बातों पर उनका मन निछावर हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी के चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। अब देखिए, सुनील जी ने और एक किस्सा और एक घटना याद बताई है। उनकी माँ से उन्होंने वह घटना सुनी है। उनकी अम्मा ने एक बार कहा कि जब हमारी शादी हो गई थी तो शादी में केवल मुझे 5 ग्राम के गहने मिले थे, लेकिन शादी के बाद उत्तर प्रदेश में एक रस्म होती है मुंह दिखाई। जब नई बहू का मुंह देखा जाता है तो उसे कुछ ना कुछ भेंट के स्वरूप में गहने दिए जाते हैं, गहने कपड़े जो कुछ हैं तो वहाँ दिया जाता है। तो अम्मा जी ने बताया कि जब हमारी शादी हो गई थी तो केवल 5 ग्राम गहने मेरे पास थे, परंतु जब विदा होकर मैं ससुराल आई तो मुंह दिखाई में बहुत सारे गहने मिले थे। सभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी का कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसको ठीक तरह से जानकारी लेने की ज़रूरत भी हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। अब अम्मा जी ने आगे बताया कि तब उस वक्त मेरे पास बहुत सारे गहने थे। फिर हम बहादुरगंज में रहने के लिए आ गए और वहाँ आकर पता चला कि शास्त्री जी के एक चाचा जी थे जिन्हें व्यवसाय में कुछ घाटा लगा। घाटा मतलब घाटा, नुकसान, धंधे में कुछ नुकसान हुआ, घाटा हुआ। अब उनके पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं थे तो उनके चाचा जी को उन्हें मदद करनी थी। फिर बात क्या थी, सचमुच क्या है, घाटा कितना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ ऐसी कोई खबर हमने नहीं ली। केवल इतना पता है कि चाचा जी को घाटा हुआ है और उन्हें मदद करनी है, केवल इतना ही सोचा था। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ ऐसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। अम्मा जी ने कहा कि पिताजी ने क्या कहा कि मेरे चाचा जी को मदद करनी है, कुछ पैसों की मदद करनी है, तो तुम्हारे पास जो गहने हैं मुझे दे दो, मैं चाचा जी की मदद करूँगा। एक क्षण के लिए शास्त्री जी की जो पत्नी थी वह हिचकिचाई, क्योंकि गहनों से स्वाभाविक स्त्रियों को चाह होती है, प्यार होता है, गहने अच्छा लगता है पहनना। उनके पास बहुत सारे गहने थे और जब शास्त्री जी ने मांगे तो क्षण भर के लिए वे मोह में पड़ गई। वे गहने देने की उनकी इच्छा बिल्कुल न थी, पर शास्त्री जी ने दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियों को समझाया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी से इस बात से मजबूर किया था समझाने के लिए। फिर एक क्षण के लिए उन्हें वह गहने देने की इच्छा न थी, फिर भी मन में सोचा कि पति की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा, उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए, और उन्होंने चुपचाप सारे गहने दे दिए। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे, जो गहने स्त्रियों को पहनना अत्यावश्यक माना जाता है वह गहने उन्होंने रख लिए और बाकी के सारे गहने अपने पति के हाथों पर रख दिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा रोक न सके, कहने लगे, जब तुम मिर्ज़ापुर आ जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। हम मुस्कुराई और कहा, उनके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है, हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। अब शास्त्री जी ने पत्नी के गहने ले लिए और अपने चाचा जी की मदद की। उस दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर इस बात की शास्त्री जी को बहुत पीड़ा हो गई कि अपने पत्नी के गहने हमें बेचने पड़े। दूसरे दिन वे बड़े दुखी स्वर में बोले कि जब तुम ससुराल फिर से जाओगी और
लोग पूछेंगे कि तुम्हारे गहने कहाँ गए, तो तुम क्या जवाब दोगी? शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने जवाब सोच लिया है। मैं लोगों से कह दूंगी कि गांधी जी ने कहा है कि गहने नहीं पहनो, तो इसीलिए मैं गहने नहीं पहनती। उस जमाने में देश को आज़ादी देने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही थी और गांधी जी का जो बोलना था, जो वचन था, लोग उसे जी जान से पालते थे और उसी कारण वह उन्होंने कह दिया कि मैं कह दूंगी कि मैंने गांधी जी के विचारों के अनुसार अब गहने पहनना छोड़ दिया है, कोई मुझ पर शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इससे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सभी गहने भी उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस यही चाहिए। आज आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे, सुख दुख तो सदा लगा ही रहता है। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आप दुखी क्यों होते हैं, आपको गहने बेचने पड़े, पर हमारे ऐसे दिन हमेशा तो नहीं रहेंगे, आगे चलकर अच्छे दिन भी आ जाएंगे, फिर गहने बनवा लिए जाएंगे। तो इस प्रकार दुखी सुख दुख तो हमेशा आता जाता रहता है, आप सुखी हैं तो मैं सुखी हूँ, इस प्रकार उन्होंने शास्त्री जी को समझाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्री जी सचमुच ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। ईमानदारी का दूसरा नाम है शास्त्री जी। इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं वे है हिदायत, हिदायत मतलब सूचना, ओहदा, ओहदा का मतलब है पद, होड़, होड़ का मतलब है ईर्ष्या अथवा स्पर्धा, बेतरतीब यानी अस्त व्यस्त, किफ़ायत का मतलब है सस्ता, घाटा इस शब्द का अर्थ है नुकसान। और इस पाठ में मुहावरे आए हैं कल्पना की उड़ान भरना, बात में पानी पड़ना, फूट फूट कर रोना, देखते रह जाना और निछावर करना।